जिले में आना किलिंग का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक भाई ने अपनी बहन को गोली मार दी। उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि भाई अपनी बहन से काफी नाराज था, क्योंकि उसने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से शादी की थी। मिली जानकारी के अनुसार इंदौर जिला के बेटमा थाना के अंतर्गत रावत गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां शुभम नाम के व्यक्ति ने अपनी बहन को परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने पर गोली मार दी। बहन को अत्यंत गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बताते हैं कि घटना के बाद आरोपी खुद थाने पहुंच गया है। घायल बहन का नाम बुलबुल बताया जा रहा है। बताते हैं कि उसने कुलदीप नामक व्यक्ति से कुछ माह पूर्व प्रेम विवाह किया था, जिससे बुलबुल के परिवार वाले नाराज थे। इसी बात को लेकर आज शुभम ने बुलबुल के घर जाकर उसे गोली मार दी। ये दोनों पीथमपुर की कंपनी में साथ काम करते थे, वहीं दोस्ती हुई थी और उन्होंने बाद में शादी कर ली थी। नगरम ये है कि हम लोगों को डायल 100 पे सूचना आई थी कि रावत गांव में गोली चल गई है। सूचना पर जो हम लोग मौके पहुंचे तो ये पता चला कि एक बुलबुल नाम की लड़की थी, जो जाट समुदाय से थी, और उसने करीबन 5-6 महीने पहले एक राजपूत समाज के कुलदीप नामक लड़के से लव मैरिज किया था, और वो आर्य समाज मंदिर में कई शादीवादी कर लिया था। इस बात को लेके उसका भाई, जो बुलबुल का भाई है, उसने उसके घर में घुस करके उसको गोली मार दी सिर में। और हम लोग स्पॉट पे पहुंचे तो जब तक परिजन उसको ले जाके एम्बुलेंस जा चुके थे, और घटनास्थल पर हम लोगों ने कार्रवाई किया है। ब्लीडिंग वगैरह हुई थी वहाँ पर, उसको हम लोगों ने प्रिजर्व किया है। और प्राथमिक तौर पे यही मालूम हुआ है कि उस शादी को लेकर के ये लोग जाट परिवार नाराज था, और जिसमें उसका भाई शुभम नाम का उसका भाई है छोटा, और उसने गोली मारी है। अभी मालूम पड़ा है, अब अभी आगे हम लोग जांच कर रहे हैं। नहीं, आरोपी तो अभी हमारी कस्टडी में आया है, और अभी उससे फर्दर हम घटनाक्रम के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आर के राय, SDOP देवालपुर।